और अब खबरें विस्तार से। सरकारी वकील उज्जवल निकम ने क्रूजरेव पार्टी मामले में बताया कि आर्यन खान के मामले में जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप शुरू है उससे जांच सही दिशा में हो रही है या नहीं, इस पर सवाल उठता है। वहीं जांच अधिकारी के बारे में ही गवाह ने कुछ सवाल उठाए हैं, ऐसे में मामले की जांच की गुणवत्ता पर उन्होंने सवाल उठाए। वरिष्ठ सरकारी वकील उज्जवल निकम ने क्रूजरेव पार्टी मामले में कहा कि गवाहदार ने ही जांच अधिकारी पर सवाल उठाए हैं, ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी दखल लेनी पड़ रही है। इन सभी बातों का जांच के गुणवत्ता पर परिणाम होता है। जिस तरह से इस मामले में अधिकारी और राजकीय नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सभी ने इस पर संयम रखना चाहिए। गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यामध्ये तपास यंत्रणेबाबत जनतेच्या मनात प्रश्न उपस्थित करणं हे साहजिक आणि नैसर्गिक असतं, परंतु हेतुपुरस्कर तपास यंत्रणेतील अधिकाराबद्दल आरोप करणं हे केव्हाही तपासाच्या दृष्टिकोनातून चांगलं नाही। आणि म्हणून राजकीय पक्ष आणि तपास अधिकारी यांनी देखील गंभीर तपास होत असताना अत्यंत सावधानकीने विधान केली पाहिजे, जे आता होत नाही। एखाद्या आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला गेल्यानंतर तपास अधिकारी देखील सोशल मीडियातून काहीतरी लढाई जिंकल्याची घोषणा करतात, याचा अर्थ की तुम्ही त्या तपासात आयडेंटिफाईड होता। पर्सनल आयडेंटिफाईड होणं हे केव्हाही वाईट, आणि म्हणून मी ज्या वेळेला खटले चालवत असतो त्यावेळेला व्यक्तिशा कधी आयडेंटिफाईड होत नाही। कारण असतं की गुन्ह्याच्या तपासामध्ये तुम्ही निरपेक्षपणे काम केलं पाहिजे। कुठली तरी बाजू घेऊन तुम्ही कोणाला तरी आरोपी करणं किंवा कुठली तरी बाजू लक्षात ठेवून कोणावरती आरोप करणं हे देखील केव्हाही गैर आहे।